क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4 बाय 9 एंड 7 बाय -12, ठीक। इसको हमें सॉल्व करना है तो 9 और 12 का हम पहले एलसीएम निकाल लें, ठीक है। डिवाइड करेंगे 2 से, 9 a डिवाइड होगा, 12 डिवाइड होगा 6 टाइम में, ठीक। फिर 9 और 2 से डिवाइड 6 करेंगे 3 टाइम्स में, फिर 3 से 9 को डिवाइड करें, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, ठीक। 36 हमारा एलसीएम आ गया, तो 9 से डिवाइड कर दिए इसमें 4 टाइम्स में, ठीक। और इस 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 36 को, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स में, और 7 का मल्टीप्लाई, ठीक। 4 4 जा 16, ठीक। और 7 में 3 का होगा 21, ठीक। और ये 36, 16 में से 21 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, -5 बाई 36, ठीक। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड, ये तो मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का हम निकालें चेक करने के लिए। तो अब हम इसमें हम कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं, कॉम्यूटेटिव, ठीक। तो 7 बाई 12 को पहले ले लें हम, -12 को, ठीक। और फिर इधर प्लस 4 बाई 9, इसको भी हम उसी तरह सेम प्रोसेस सॉल्व करेंगे। तो एल से मेरा कितना होगा 36, 12 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, ठीक। 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। और फिर प्लस 9 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 4 टाइम्स में, और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 7 3 जा 21 और 4 4 जा 16, 36, ठीक। 21 में 16 माइनस करेंगे तो -5 बाई 36, तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपका आंसर हो जाएगा प्रूफ।